क्योंकि ये महंगे का मुद्दा कोई नया नहीं है और लगातार पब्लिक को परेशान किए हुए हैं। जब पब्लिक परेशान होती है तो उसको रिप्रेजेंट करने वाले जनप्रतिनिधि भी होते हैं और मीडिया वाले भी होते हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि उसको कोई बहुत लंबा वापस मैं आपको वहाँ पर रिपीट करूँ, पर इतना मैं कह सकता हूँ कि भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण से ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि संघवाद का जो सिस्टम है देश के अंदर संविधान के अंतर्गत, उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं। या तो क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है कि राज्यों को कमज़ोर करो। अभी भारत सरकार की जो नीतियाँ हैं उस पर वित्तीय प्रबंधन राज्यों का गड़बड़ा रहा है और कर्जे लेकर के राज्य सरकार अपना काम चला रही है पूरे देश के अंदर, अधिकांश राज्यों के अंदर, जो नहीं होना चाहिए। राज्य मजबूत होंगे तो देश का विकास होगा। जो स्कीम बनती है, केंद्र बनाए चाहे राज्य बनाए, वो स्कीमें इम्प्लीमेंट राज्य करता है। तो राज्य सरकारों को मजबूत करेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी। ये जो तेल और गैस और पेट्रोल और डीजल की जो बात हो रही है, ये तो आज से नहीं, शुरू से सबको मालूम है कि जैसे इनकी कीमतें बढ़ती है तो महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन मुख्य भूमिका अदा करता है। तो ये अध्यक्ष जी ने ठीक कहा कि उसके कारण से कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है और कम भी इसलिए नहीं हो रही है कि लोग समझते हैं कि अभी हम कम करेंगे और बाद में कल वापस जो रोज़ बढ़ते थे प्राइस रोज़ बढ़ते थे वो बढ़ने लग जाएंगे तो हमारा क्या होगा। अभी तो चुनाव के कारण से राज्य सरकारें समझ रही है कि चुनाव है पांच राज्यों में, इसलिए भारत सरकार ने रोक रखा है कंपनियों के आकर के। तो अगर भारत सरकार चुनाव के नाम पर रोक सकती है तो परमानेंट क्यों नहीं रोक सकती है? अनुदान दें, केंद्र सरकार को चाहिए अनुदान दे कंपनियों को, अगर अनुदान की हकदार है, बजाय कि जनता पे भार डाले वो लगातार कीमतें बढ़ा कर प्रतिदिन, उसकी बजाय वो कंपनियों को अनुदान दे, कुछ भी करे पर जनता पे भार नहीं पड़े और महंगाई नहीं बढ़े। दोनों का संबंध है, महंगाई का और इनका प्राइस बढ़ने का संबंध है। तो एक तो मुख्य बात तो देखो ये है, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अध्यक्ष जी कह रहे थे कि ये समझने वाली बात है कि जो पैसा एक्साइज का पूरे देश में बढ़ता था, सब राज्यों में बढ़ता था, उसको कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। संविधान के अंतर्गत एक्साइज ड्यूटी जो मिलती केंद्र को, वो बंटवारा होता था राज्यों के बीच में, उसको आपने कमज़ोर कर दिया। उसको कमज़ोर कर दिया, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जो अभी अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि 9 रुपये 48 पैसे पहले था एक चार 16 को, बेसिक इसको कहते हैं बेसिक एक्साइज ड्यूटी, वो तो कर दी 1 रुपये 4, 9.48 से 1.4 पे आ गए अभी 1 फरवरी को। अब तो और अभी आज की तारीख में और कम कर दिया होगा। और एक स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और नया सेस लगा दिया अभी लास्ट बजट के अंदर, तो उसको क्या किया इन्होंने कि 6 रुपये से 11 रुपये कर दिया, और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी 6 रुपये 18 रुपये कर दी, और 2 रुपये 5 कर दिया अभी इस सेस लगा दिया नया। डीजल के अंदर भी ऐसे ही क्या 11 रुपये 33 पैसे था बेसिक एक्साइज ड्यूटी, जिसमें हिस्सा मिलता था राज्यों को, वो 1 रुपये 8 कर दिया, 1 रुपये 80 पैसे कर दिया, 11 रुपये 33 पैसे से 1 रुपये 80 पैसे कर दिया, जिसमें हिस्सा मिलता था सब राज्यों को। और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी 0 थी पहले, 8 रुपये लेने लग गए, जिसमें हिस्सा नहीं मिलता है। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 6 रुपये थी, 18 रुपये कर दी, जिसमें हिस्सा नहीं मिलेगा, और नई एक्साइज ड्यूटी लगाई डीजल पे, वो भी 4 रुपये हो गई। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, इसके कारण से जो हिस्सा मिलता था राज्यों को वो तो हो गया बंद, और खजाना भर रहा केंद्र का, ये बात है। और अब जो 5 रुपये 10 रुपये कम किए इन्होंने, वो एक प्रकार जो राज्यों को मिलता था एक्साइज ड्यूटी जो बेसिक थी, बेसिक एक्साइज ड्यूटी थी जो बंटवारा होता था, वो कम कर दिया, उसके बदले में
एडिशनल और स्पेशल आ गई, उसमें से उन्होंने 5 विदेश में दिए हैं, इसका मतलब एक पर राज्यों के हिस्से में से दिया आपने, आपने कुछ नहीं दिया अपने जेब से, जो कुछ दिया वो राज्यों का हिस्सा आपने ट्रांसफर कर दिया एडिशनल में एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल में, और उसको दे दिया आपने। राजस्थान वो राज्य जहाँ पर दूर या बहुत दूर दूर है, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लगता है। पहले भी हमने प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट की है कि दूरी ज़्यादा है, प्रोफाइल अलग तरह की राजस्थान की है, और आपने जिस प्रकार से बिहेव किया है राज्यों के साथ में, उसका सबसे ज़्यादा असर हमारे वहाँ भी पड़ता है। और वो असर ये पड़ा है कि वित्तीय प्रबंधन हम लोग मुश्किल से करवा, करीब 20,000 करोड़ कोरोना काल के अंदर हमारे कम हुए रेवेन्यू के। फिर जो GST के पैसे मिलते हैं करीब 5,900 करोड़ के लगभग, वो उन्होंने रोक रखे हैं, पुनर्भरण नहीं कर रहे हैं। तीसरी हमारी मांग है कि आप GST का जो आपका 22 तक का है उसको आप 27 तक करो, बढ़ाओ GST का पुनर्भरण, जो राज्यों को वादा किया हुआ देश के अंदर। ये बात मैं कह रहा हूँ सब राज्यों की बात है। तो ये तमाम स्थिति ऐसी बनी जिसके कारण से ये सब स्थिति बन रही है। और अभी अध्यक्ष जी ने एक के बाद एक बताई आपको, सारे आइटम खाने पीने के हो चाहे वो कंस्ट्रक्शन के हो चाहे कोई भी हो, सबके भाव बढ़ गए, तो उसका असर भी जनता पे पड़ता है। अगर सीमेंट के और लोहे के भाव बढ़ेंगे तो भी जनता पे असर पड़ता है। तो ये स्थिति मैं समझता हूँ कि बनी हुई है। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने सही फैसला किया है कि 12 तारीख को विशाल रैली करके केंद्र सरकार का ध्यान उनको मजबूर करें कि आप वो नीतियों में परिवर्तन करो जिससे कि ये महंगाई कम हो। महंगाई की मार ने हिला दिया देश को और लोग बहुत चिंतित हैं, क्योंकि लोगों की जेबें खाली हो रही है। महिलाओं के लिए बजट जो रसोई का वो गड़बड़ा रहा है। तो ये स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। तो ये आज की तारीख में महंगाई और बेरोजगारी दो सबसे बड़े मुद्दे देश के सामने हैं। वैसे तो मुद्दे कई दे दिए मोदी जी ने, क्योंकि 14 का अगर अपन उनकी स्पीच सुन लें तो मुद्दे हैं आपके सामने, तो अलग बात है। और पर ये बेरोजगारी का मुद्दा युवाओं को तंग कर रहा है, क्योंकि आपने 2 करोड़ का वादा किया था। महंगाई की मार सब पे पड़ती है, आपने UP गवर्नमेंट को खूब बदनाम किया था, महंगाई बढ़ती जा रही है, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। अब देखा होगा उनकी अपनी जो जब पब्लिक से बात करते हैं, संदेश देते हैं, तो ना महंगाई की बात करते हैं और ना बेरोजगारी की बात करते हैं। तो ये तमाम बातें, इसलिए ये रैली हो रही है। मैं अध्यक्ष जी की तरह मैं भी अपील करना चाहूँगा तमाम कार्यकर्ताओं से भी और सब लोगों से कि वो अधिक से अधिक भाग ले रैली में, और रैली में जाने का लोगों को उत्साह भी है, क्योंकि इशू पब्लिक को टच करने वाला है, और जब पब्लिक को टच करना इशू होता है तो स्वतः ही फिर सब लोग भागीदारी निभाना चाहते हैं कि भाई एक और ऐसा है जो पब्लिक को टच कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ आपको कि रैली में बहुत बड़ी सजा हम जाएंगे, और इसीलिए आप सबको तकलीफ दी गई। Oh, 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 oh